सब्सक्राइब कीजिए अजय गहलोत को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने कभी प्लेन में सफ़र किया है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि वहाँ पे जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप अपने जितने भी मोबाइल, लैपटॉप्स या टैबलेट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, तो उनको स्विच ऑफ करने को कहा जाता है टेक ऑफ करने के दौरान और लैंडिंग करने के दौरान जब प्लेन लैंड करता है। तो ये क्यों होता है और क्यों आपको ये कहा जाता है, इसी बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेन क्रैश हो सकता है या प्लेन की दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कोई प्लेन लैंड कर रहा होता है या टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपके मोबाइल की रेडिएशन होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है ग्रेविटी का। जैसे मैं आपको इस पिक्चर की मदद से समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप जानते होंगे कि हर एक प्लेनेट की एक ग्रेविटी होती है, जैसे अर्थ की भी है, जिसकी वजह से हम धरती पर रह पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी ग्रेविटी का इफ़ेक्ट हमारे प्लेन पर पड़ता है। जैसे कि कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो तो अपना जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो उसे अपनी तरफ खींच रही है, जो पृथ्वी है उसको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जो प्लेन होता है जैसे तैसे इसको कंट्रोल कर लेता है। पर जब आप अपने मोबाइल को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इसमें यूज़ कर रहे होते हैं तो वो रेडिएशन गेन करता है, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट, जो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लेन को नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे इतना ज़्यादा भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि प्लेन क्रैश हो जाए। फ़िलहाल दोस्तों, इस वीडियो में यही सब था। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।